मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा, मफाहमत याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे, जबकि ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था कि 2 अरब से ज़ायद की 2 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर करेगा। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फलाह की क़्यादत में सऊदी सरमायाकारों का वफ 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुका है। सऊदी वजीर सरमायाकारी 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं और हुकूमती कोशिशों के समरात हैं, और इसी वजह से सऊदी अरब के सरमायाकारों की वफ़ ने पाकिस्तान जो है वो तशरीफ़ लाए हैं और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया जा रहा है। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी नूर खान एयरबेस पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी वफ़ की जानिब से जो है वो मौजूद मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फलाह की क़्यादत में सऊदी सरमायाकारों का वफ़ 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गया है। वफ़ की क़्यादत सऊदी अरब के सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ कर रहे हैं। वफ़ की क़्यादत सऊदी अरब के सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ कर रहे हैं। उनके हमरा सऊदी सरमायाकार भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। 2 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी पाकिस्तान में होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था। वफ़ की क़्यादत सऊदी अरब के सरमायाकारी के वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ कर रहे हैं और मुसद्दिक मलिक जो कि वजीर मुमलिकत हैं उनकी जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया मौजूद मेहमानों का नूर खान एयरबेस पर, जहाँ पर मौजूद मेहमानों का तैयारा लैंड किया और रेड कारपेट वेलकम किया गया है। मौजूद मेहमानों को हर मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया और अब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार लिए सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये मनाजिर है नूर खान एयरबेस के, जहां पे सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है सऊदी वफ्द की जानिब से। 2 अरब डॉलर से ज़ायद के मंसूबों के ऊपर सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी करेगा और सऊदी वजीर सरमायाकारी इस वक्त अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हेडलाइंस के लिए तावुन किया है तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। जो भी कलदम पीटीएम को सपोर्ट करेगा वो निर्गे में आएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम, मुल्क में मुतवाजी निजाम कायम करने की इजाजत नहीं दे सकते। हुकूक और बंदूक उठाने की बात साथ साथ नहीं हो सकती। हुकूक की बात करने वालों से आज भी बात करने को तैयार हैं मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। यूरोप में दहशतगर्दों का फ्रंटियर कोर की चौकी पर हमला, जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमला आवर समेत 2 दहशतगर्द हलाक, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ अम्मारी भी मारा गया। पाक अफगान सरहद नौश्की गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेज की पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, अफगान फोर्सेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और बिजली खरीदने के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी, सारकीन को तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी, खींच निकाले सालन से लेकर कीचड़ तक हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक